वेलकम स्टूडेंट्स, अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ फायर एंड सेफ्टी। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के जो फायर हैं उनके कैटेगरीज हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इसको देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि यदि आप कहीं किसी फायर प्लेस पर जहां पर आग लगी हुई है वहां पर आप फंस गए तो वहां क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, ये भी हमने लास्ट वीडियोस में देखा। इस वीडियो के द्वारा हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप फायर से फाइट करने के इच्छुक हैं, यदि आप आग को बुझाना चाहते हैं तो क्या चीजें आपको आनी चाहिए और कैसे इनसे आप कोप अप करेंगे ताकि आप सही तरीके से जो फायर है उसको आप बुझा सके। लेकिन तीन एलिमेंट्स आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। इन तीन को आप जरूर ध्यान रखेंगे जब कभी भी आप यदि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को यूज भी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और जो सबसे मुख्य बात है वो है हवा की दिशा, कि आप हमेशा जो हवा बहने वाली हवा है, यदि वो आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो ऑफ कोर्स आपको इस तरीके की बहती हुई हवा दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप कभी ओपन फील्ड में खड़े हैं तो आप हमेशा हवा के दिशा से उल्टे खड़े रहेंगे ताकि हवा की दिशा की ओर ही आग बहे। लेकिन साथ ही साथ हवा की दिशा का परिवर्तन भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि हवा की दिशा में कोई बदलाव हुआ तो लगने वाली आग है वो आप तक ना पहुंच सके। तो जहां पर आग लगी हुई है वहां से आप अपना सेफ डिस्टेंस हमेशा बनाकर रखेंगे यदि आप ओपन फील्ड में खड़े हैं तो, और इस क्लोज फील्ड में यानी कि किसी बिल्डिंग के अंदर खड़े तो आपको जो निर्धारित मापदंड है उनको उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि बिफोर यू कंसीडर फाइटिंग अ फायर, यदि आप फायर से फाइट करने के इच्छुक हैं यानी आप आग बुझाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। सबसे पहले आप बुझाने के लिए मतलब यानी कि आपको आग के बारे में पता है, साथ ही साथ आप फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र जिसे कहते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग आप भली भांति जानते हैं, ऐसा अज्यूम करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर को इस स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल द फायर डिपार्टमेंट, यानी कि आपको फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना है। कंफर्म दैट द फायर इज स्मॉल एंड इट इज नॉट एंड इज नॉट स्प्रेडिंग। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि जो फायर है वो बहुत छोटी है और फैल नहीं रही है। आपको सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि फायर कहाँ तक फैली है, छोटी है, बड़ी है, आप उसको उसे फाइट कर सकते हैं कि नहीं, लड़ सकते हैं कि नहीं, उसको बुझा सकते हैं कि नहीं, और ये कितना स्प्रेड हो रही है इसका भी निश्चय करना है। इसमें ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हवा की दिशा आपको ध्यान में रखनी है ताकि जब जितनी जिस तरह से भी हवा बह रही है हम उसके जस्ट अगेंस्ट वो दूसरी ओर हम खड़े रहकर सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करें ऑलवेज। कंफर्म यू हैव अ सेफ पाथ टू एन एग्जिट नॉट थ्रेटन बाय द फायर, यानी कि आप और जहां आग लगी हुई है वहां से आप हमेशा एक सेफ पाथ और एक एग्जिट यानी बाहर निकलने का सुरक्षित स्थान, एग्जिट मतलब सुरक्षित स्थान पर यहां पर इसका मीनिंग है, और नॉट थ्रेटन बाय फायर यानी कि फायर से आपके एग्जिट में जो आपका पाथ है सेफ पाथ यानी कि आपका सुरक्षित रास्ता जो है वो हमेशा सेफ रहे, फायर से वो थ्रेटन ना हो, फायर की कैसी पोजीशन कैसी भी हो उस पर कोई फर्क ना पड़े और आप उस सेफ रास्ते से बाहर की ओर निकल जाए। यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सटिंग्विशर इज रिक्वायर्ड एंड द करेक्ट एक्सटिंग्विशर इज इमीडिएटली एट हैंड। तो ये दो चीजें सेंटेंस में है, इसको हमको समझने की जरूरत है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको कौन सा चाहिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के लिए,
ये हमने पहले देखा, और आपका उस वो आपको पता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया है और वो आपके पास अवेलेबल हो, ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो आपने करेक्ट एक्सटिंग्विशर चुन लिया है। भाई करेक्ट एक्सटिंग्विशर कैसे चुनेंगे, क्योंकि हमने तो आपको बताया कि आग के जो मुख्य पांच अवयव हैं उसे हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की फायर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, और इसको हर प्रकार की आग, क्लास ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इनको बुझाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र, इसकी जरूरत पड़ती है और उसको आपको चलाना आना चाहिए, तभी आप उसमें इस आग को बुझा सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी जो कंसर्न है ये हमको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, बिफोर पहले हमने देखा था, बिफोर पहले इफ यू आर कंसिडरिंग विथ फाइटिंग अ फायर, अब देखिए नेवर कभी मत करिए जब आप फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हो या आप उससे लड़ रहे हो, तो कभी मत करिए, नेवर मतलब कभी नहीं करना है। ये क्या नहीं करना, द फायर इज स्प्रेडिंग बियॉन्ड द इमीडिएट एरिया इन विच इट इज स्टार्टेड और इफ इट इज ऑलरेडी अ लार्ज फायर, कभी भी मत करिए ऐसा। यदि आग का जो क्षेत्र है, जो लगी हुई आग है, वो बहुत छोटे एरिए में है और वो एक बड़े एरिए की ओर बढ़ती जा रही है और वो एक बड़े आग के इसमें यदि वो परिवर्तित हो रही है, तो आप कभी भी इसे ट्राई मत करिए, नेवर, कभी नहीं, ये कभी नहीं करना है कि आप जिस आग को बुझाने जा रहे हैं और वो उसका एरिया बहुत बड़ा है, विशाल है, उस आग का जो क्षेत्रफल है, आप कभी भी इसको बुझाने की कोशिश मत करिए, नेवर, कभी नहीं करना है ये सारे पॉइंट्स में। द फायर कुड ब्लॉक योर एस्केप रूट, इस तरह की फायर जो आप देख रहे हैं कि जो बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ रही है, ये आपके एस्केप रूट या सेफ एग्जिट को ब्लॉक करती हो, तो आपको कभी भी इस फायर फाइटिंग को, फायर को कभी भी बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी आपको इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो फायर है, ऐसी जो आग है, ये आपके एस्केप रूट्स को भी ब्लॉक कर देती है, सेफ एग्जिट को भी आपकी ब्लॉक कर देती है, आपके सारे जो वेज हैं, सेफ वेज, उनको भी ब्लॉक कर देती है। यू आर अनश्योर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द एक्सटिंग्विशर, कभी मत करिए, यदि आप अनश्योर हैं, आपको पता नहीं है कि प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द एक्सटिंग्विशर कौन सा प्रयोग करना है, तो आप कभी भी फायर फाइटिंग मत करिए। इस वीडियो लेक्चर के अंत में हम फायर एक्सटिंग्विशर पर भी स्लाइड्स हैं, तो आज के बाद आप कुछ एक समय के लिए आप जरूर जागरूक हो सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लुक आफ्टर इट कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, व्हाट फायर एक्सटिंग्विशर्स आर अवेलेबल, आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास कौन से अग्निशामक यंत्र हैं, और आपकी जो फायर है वो कौन से क्लास की है, इसको आप इसकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। यू डाउट दैट द एक्सटिंग्विशर यू आर होल्डिंग इज डिजाइन फॉर द टाइप ऑफ फायर एट हैंड और इज लार्ज इनफ टू फाइट द फायर, ये कभी मत करिए। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट गया या आपको कोई शंका हुई कि जो आप आग लग चुकी है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्रकार की आग है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है या क्लास डी है, तो आप कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन से क्लास की आग लगी है वो नहीं पहचान पा रहे हैं, और बड़े स्तर की जो आग लगी है उससे ये फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से जो आपके हाथ में आप पकड़े हुए हैं उसे आप बुझा सकते हो, बुझा सकते नहीं हो, फिर भी आप ट्रायल एरर के तौर पर आप उसको बुझाने की कोशिश करें, तो ये ऐसा बिल्कुल मत करिए। यानी कि इस पूरे सेंटेंस को यदि आप समझें
तो मुख्य रूप से आपको तीन चीजें समझ में आएंगी अंटिल एंड अनलेस, यदि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि भाई मेटल है, मेटल में यदि आग लगी है तो वो क्लास डी है, यदि इलेक्ट्रिकल फर्नेस इसमें आग लगी है वो सी टाइप है, क्लास सी है, लेकिन यदि इन दोनों का मिक्सचर हो तो, और आपके पास एक्सटिंग्विशर ए बी का हो तो इसलिए यदि आप इस तरीके का डिसइंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे कि कौन से टाइप की फायर है, आपके पास जो आपके हाथ में एक्सटिंग्विशर है वो उस क्लास को क्लास के लिए है या नहीं है, क्योंकि फायर लगी है आप पकड़ रहे हैं कि ये आपने हाथ में ए और बी एक्सटिंग्विशर पकड़ रखा है और आग लगी है सी और डी टाइप की, और वो आपके पास जो एक्सटिंग्विशर है आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि उस अग्निशामक यंत्र से मैं वो बी सी और डी की जो फायर है उसको मैं बुझा पाऊंगा नहीं, और वो क्या वो एक्सटिंग्विशर की जो क्वांटिटी है उसमें जो मटेरियल है बुझाने के लिए जो झाग उसके अंदर है कि क्या वो झाग से वो इतनी बड़ी फायर अब बुझेगा कि नहीं बुझेगा, मतलब इस तरीके की ये तीन कैलकुलेशन यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल फायर फाइटिंग को कभी भी लगी हुई आपको बुझाएंगे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड देखते, अब जो देखते हैं मल्टी क्लास रेटिंग। तो आज के लिए जैसे मैंने अभी आपको जस्ट लास्ट स्लाइड में बताया कि अभी आज के डेट में अब हमको पता है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया हम फायर एंड सेफ्टी के इस वीडियो लेक्चर्स में हम पहले वीडियो लेक्चर से कह रहे हैं कि आपके पास कोई इस तरीके की इक्विपमेंट लिस्ट नहीं होती कि ये आग पकड़ेगी और या एक ये आग नहीं पकड़ेगी या ये आग में जलेगी या ये आग में नहीं जलेगी, ऐसी आप कोई लिस्ट नहीं बना सकते मटेरियल्स की। और साथ ही साथ कई बार जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि एट द एंड ऑफ द फायर व्हेन फायर लाइट्स, तो हम ये भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप की आग है, क्या इससे बुझेगा या नहीं बुझेगा। तो इसलिए ये मल्टी क्लास रेटिंग के फायर एक्सटिंग्विशर अब मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें डी टाइप तो नहीं बुझेगी लेकिन ए बी सी जरूर बुझेगी। तो आपको फायर जब लग जाए और आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन कर पाए कि लगा हुआ जो लगी हुई आग जो है उसमें ए बी सी है या नहीं है, तो इस तरीके की यदि डिफरेंट क्लास की जब फायर की नीड जो है उसको बुझाने के लिए जो यंत्र है तो उसको हम मल्टी क्लास रेटिंग बोलते हैं। तो इसमें है मेनी एक्सटिंग्विशर अवेलेबल टुडे कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एंड विल बी लेबल्ड विद मोर देन वन डेजिग्नेटर। मेरा इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डेजिग्नेशन इसमें होते हैं, यदि ऑर्डिनरी है तो ए, हमको पता है फ्लेमेबल लिक्विड है पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो बी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो सी, और मेटल है तो डी। तो इसमें से जब हम पहले ओल्ड स्टाइल ऑफ लेबलिंग रहती थी तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता है जो अग्निशामक यंत्र रहता है वो सिर्फ ए क्लास की ही क्लास बुझा सकता था, कोई दूसरे टाइप का सिर्फ सी टाइप का ही क्लास पर और क्लास की आग को बुझा सकता था। लेकिन अब मार्केट में मल्टी क्लास रेटिंग के फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, तो आप जब भी इनका प्रयोग करें तो इनके ऊपर सबसे सर्वप्रथम देखें, यदि सपोज ए बी है तो आपको सी में प्रयोग नहीं होगा, बी सी है तो ए में प्रयोग नहीं होगा, और ए बी सी है तो तीनों में प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं डी इज मेंट फॉर मेटल, हम जानते हैं, तो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल और फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके लिए आजकल ए बी सी ये तीनों जो क्लास की फायर है इसको आप आसानी से बुझा सकते हैं। इसलिए अब इस लेबल में क्या शो होता है कि यदि सपोज दिस लेबल शोज दैट दिस एक्सटिंग्विशर, मल्टी क्लास रेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, दिस लेबल शोज दैट दिस एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड ऑन ऑर्डिनरी कंबस्टिबल ए, फ्लेमेबल लिक्विड बी, द रेड स्लैश थ्रू द लास्ट सिंबल टेल्स यू दैट द एक्सटिंग्विशर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल फायर सी। अब इसको देखते हैं न्यू स्टाइल ऑफ लेबलिंग में, सपोज इस यदि सेंटेंस को पढ़े तो आपके जो फायर एक्सटिंग ये जो यह ओल्ड स्टाइल है, पुराना स्टाइल है, ए बी सी इस तरीके से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर बनते थे, अब जो बनते उसमें यदि ए और बी के लिए तो सी को इस तरीके से काट देते हैं,
यानी कि आप सिर्फ देखकर ही आप पता लगा सके कि ये सी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट बस इस स्लाइड की लास्ट बट नॉट लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर लिखी हुई है, बी एडवाइज दैट मोस्ट फायर एक्सटिंग्विशर विल फंक्शन फॉर लेस देन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड से ज्यादा मोस्ट ऑफ द सभी फायर एक्सटिंग्विशर 40 सेकेंड से ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो आपके पास एक मिनट से भी कम समय है, यदि आपने उस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया तो आप वहां से एग्जिट करने का प्लान भी बना सकते हैं सेफ साइड में, क्योंकि यदि आप हमने देखा है इस वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में ही कि यदि आप आग बुझाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एग्जिट प्लान रेडी रखेंगे। तो 40 सेकंड से ज्यादा नहीं चलता है, इसकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है, प्रेशर अलग अलग रहते हैं एंड यूजेस एज यू कैन सी आप ए बी सी ए बी बी सी इस तरीके से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा फायर एक्सटिंग्विशर आप परचेस करके अपने जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर इस तरीके से सेफ्टी सिस्टम के जोन रख सकते हैं। इसके बाद की कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके होने वाले यूजेस देखने की कोशिश करेंगे। तो 10 टिप्स ऑन हाउ एंड व्हेन टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये 10 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक के बाद एक देखेंगे। पहली टिप है मोस्ट फायर स्टार्ट स्मॉल, ये बहुत आसान रहता है, जैसे ही हम फायर देखते हैं तो हमको बहुत छोटी लगती है, अरे बहुत छोटी आग लगी है। एक्सेप्ट फॉर एक्सप्लोजन्स फायर्स कैन यूजुअली बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, सिर्फ यदि वहां पर कोई विस्फोट नहीं हुआ तब तक हम इस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ दे आर अटैक्ड करेक्टली विद द राइट टाइप एंड साइज ऑफ एक्सटिंग्विशर विद इन फर्स्ट 2 मिनट्स, पहले 2 मिनटों में यदि आपने तुरंत आग बुझा दी तो आप बुझा सकते हैं। कभी भी यदि आग लगे तो आपको प्रथम पहले 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आप किसी बड़ी आग को छोटी आग में या पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये पहले 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि 40 सेकंड से ज्यादा मोस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर चलते नहीं हैं। तो हमारे पास पहले 2 मिनट में हमने सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई, इवैक्यूएशन प्लान बनाया, जिन लोगों को नहीं आता उनको वहां से निकाला एंड देन वी अप्लाई द फायर एक्सटिंग्विशर, और इस पहले 2 मिनट में हमको इस बड़ी फायर को छोटी फायर को तुरंत खत्म कर देना है, अरेस्ट कर लेना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा, अ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी लिस्टेड एंड लेबल्ड, देखिए लिस्टेड एंड लेबल्ड, यही लिस्टेड क्या है और लेबल्ड क्या है, यही जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि प्रॉपरली लिस्टेड होना चाहिए कि कौन सी फायर क्लास के फायर को अरेस्ट करने के लिए बना हुआ है, और लेबल्ड ये सही तरीके से इसमें लेबल भी लगा होना चाहिए कि ये सही तरीके से हम उसको देख के पढ़ के या देख कर भी समझ सके। बाय एन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी, एक किसी स्वतंत्र लेबोरेटरी से ये फायर एक्सटिंग्विशर टेस्ट होते हर साल, जो बिना किसी पर आधारित होकर स्वतंत्र रूप से इसे टेस्ट करती है कि हाँ इसमें ये है, ये केमिकल्स हैं, इससे आप ए क्लास की आग या बी क्लास की या सी क्लास की अकॉर्डिंग टू फायर आप इससे बुझा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये लेबोरेटरी हर साल एक दिन नहीं, हर साल को टेस्ट करती है, तभी ये ऑथेंटिक माने जाते हैं। द हायर द रेटिंग नंबर ऑन एन ए और बी एक्सटिंग्विशर द मोर फायर इट कैन पुट आउट, जितनी ज़्यादा इसकी रेटिंग रहेगी, नंबर की रेटिंग जितनी ज़्यादा रहेगी तो उतनी ज़्यादा हम इसको फायर को बुझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि बी केयरफुल, हाई रेटेड यूनिट्स आर ऑफन हैवियर मॉडल्स, तो जो बड़े और हाई रेटेड मॉडल रहते हैं जो ज़्यादा आग ए और बी की बुझा सकते हैं तो वो भारी भी रहते हैं, बहुत भारी रहते हैं सिलेंडर्स, आप उसको आसानी से उठा नहीं सकते हैं। मेक श्योर यू कैन होल्ड एंड ऑपरेट द मॉडल यू आर यूजिंग,
आप जिस मॉडल को उठा रहे हैं यूज कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए, उसे आप सही ढंग से उठा पा रहे हैं। सो बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइट अ स्मॉल फायर, आप किसी भी छोटी आग को यदि अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि हर व्यक्ति वहां से बाहर हो, एवरीवन इज आउट ऑफ द एरिया, वहां पर कोई ना हो, सिर्फ आप उसको बुझा रहे हो। बिकॉज आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है, आपको समझ में आया है कि ये आग मैं बुझा सकता हूं, और साथ ही साथ फर्स्ट 2 मिनट के अंदर आपने यदि सब कोई भी एक्टिवेट करा है, आग बढ़ी नहीं है और आप सही तरीके से प्रशिक्षित है, तो ही आप आग बुझाने की कोशिश करिए। इफ द फायर स्टार्ट्स टू स्प्रेड और थ्रेटन्स योर एस्केप पाथ, गेट आउट इमीडिएटली। ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि यदि आपका जो एग्जिट प्लान है, जहां से आपने सोचा है कि यदि आग बढ़ेगी, क्योंकि तो आपने पहले इवैक्यूएशन प्लान, वहां से भागने का जो रास्ता है, सेफ एग्जिट जिसे हम प्रॉपर वर्ड में कहते हैं, यदि आपके पास सेफ एग्जिट अवेलेबल है और आपको लगता है कि ये आग उस सेफ एग्जिट को भी ब्लॉक कर देगी, तो भी आप वहां से तुरंत निकल जाइए उस आग को बुझाने के लिए, और यदि आपका रास्ता रुके उससे पहले आप वहां से निकल जाइए। नंबर 4, द ऑपरेटर मस्ट नो हाउ टू यूज द एक्सटिंग्विशर क्विकली विदाउट टेकिंग टाइम टू रीड डायरेक्शन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। रिमेंबर दैट द एक्सटिंग्विशर नीड केयर एंड मस्ट बी रिचार्ज आफ्टर एवरी यूज। अब आप यदि कोई फायर को किसी भी आग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपको पता नहीं है, आप उसके इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हैं जो मतलब उस एक्सटिंग्विशर पे लेबल्ड है या उस पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और इमरजेंसी के दौरान आप ये कर रहे हैं, तो आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है, यानी कि आप फुली ट्रेंड होने चाहिए, तभी आप इसको यूज करने की सोचेंगे। ऑफ कोर्स ये सारे जितने हैं, ये हम ऐसा अज्यूम, प्री अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है, तो ये इस फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र को चलाना जानते हैं। रिमेंबर दैट द एक्सटिंग्विशर नीड केयर एंड मस्ट बी रिचार्ज आफ्टर एवरी यूज। ये ध्यान में रखिए कि एक बार आपने फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद आपको उसे फिर रिफिल करना है। ये रिचार्ज का मीनिंग यहाँ पर रिफिल होगा, बिकॉज इट्स अ सिलेंडर, ये खाली हो गया तो हम रिफिल करते हैं, जैसे हमारा एलपीजी घर में प्रयोग होने वाला एलपीजी का सिलेंडर खाली हो जाता है, तो हम इसे क्या करते हैं, रिफिल करते हैं। द सेम टाइम इफ यू हैव यूज दिस फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपको इसको रिफिल करना हर बार, हर प्रयोग के पहले जरूरी हो जाता है। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये यहां से 4th पॉइंट तक तो ठीक है, 5वें पॉइंट से अब आप देखेंगे कि ये 5 पॉइंट में ये पासवर्ड आपको याद रखना है। 5वें पॉइंट से लेकर 8वें पॉइंट तक ये आपको मिलेगा, व्हाट इज द जो वर्ड है आपको याद रखना है, पास। पास मींस पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। पुल किसको पुल करना, इस जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको पुल करना, क्योंकि कई फायर एक्सटिंग्विशर को खोलने का तरीका अलग अलग होता है, कहीं की लगती है, किसी को तोड़ना पड़ता है, किसी को उल्टा जमीन में फेंकना पड़ता है जिससे उसका कॉक फूलता है, और जो अंदर केमिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, और जो फायर एक्सटिंग्विशर से जो झाग निकलता है या स्प्रे निकलता है वो रिलीज होता है। तो ऐसे कई तरीके के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जब भी हम उसको ऑपरेट करते हैं, किसको, फायर एक्सटिंग्विशर को। तो पहला पुल, दूसरा एम, उस पर सही तरीके से चिन्हित करिए, तो आपको नोजल जो है उसको सही तरीके से चिन्हित करना है ताकि आग पर आप सीधे तरीके से काबू पा सके, और बेस पर आप ज्यादा करेंगे कि जहां से आग निकल के दूसरी हवा की ओर बह रही है आप उसके अपोजिट रहेंगे, और आपको ये देखना है आग में कि कहाँ से उसका बेस है उस आग का, और वहां से आप उसको अरेस्ट करने की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पुल किसके लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फिर एम, देन वी विल कम टू स्क्वीज एंड स्वीप। तो स्क्वीज करने के लिए
आपको इस हैंडल को चलाना पड़ेगा, यहाँ से अब झाग निकलने की शुरुआत होगी और स्वीप से आपको ये पूरी तरीके से फैलाना है जहां पर भी आग लगी हो। ये जो पास है 5, 6, 7, 8 ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको ये पासवर्ड नहीं पता है तो आप आग को सही तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रहिए। व्हाट इज पास? दैट इज पुल एम स्क्वीज स्वीप, पुल एम स्क्वीज स्वीप दैट इज पास, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नौवां पॉइंट आता है, रीड एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑन योर एक्सटिंग्विशर। आपको ये साल भर देखना रहता है एक्चुअली, वेन एवर यू विल सी द फायर एक्सटिंग्विशर। मैं बहुत हम ये है कि आप आज से फायर एक्सटिंग्विशर को देखने की शुरुआत कर देंगे, देखकर उसको समझने की शुरुआत करेंगे। हम फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी रहते हैं, हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि क्या वो कौन सी ग्रेड के हैं, क्या वो मल्टी फायर एक्सटिंग्विशर है या सिंगल फायर एक्सटिंग्विशर है, इस तरीके से हम जज नहीं कर पाते। दैट्स वाई तो ये एक्सटिंग्विशर को हमको थोड़ा सा डाउट रहता है। इस तरीके के डाउट हमको एट द टाइम ऑफ फायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि आप इसे मैं पढ़ता हूँ, रीड एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑन योर एक्सटिंग्विशर, इन रीड और फॉलो डायरेक्शन ऑन योर एक्सटिंग्विशर, इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट डाउट अबाउट वेदर और नॉट टू फाइट अ फायर। यदि आपको अपने दिमाग में बिल्कुल छोटा सा भी डाउट है कि मैं इस आग को काबू में कर सकता हूँ या नहीं, मैं इस आग को बुझा सकता हूँ या नहीं, मैं इस आग को से लोगों को बचा सकता हूँ या नहीं, ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है, नौ नंबर में हम देखेंगे, तो डू नॉट, बिल्कुल नहीं, गेट आउट, बाहर निकलिए एंड क्लोज द डोर बिहाइंड यू। आप सीधे गेट खोलिए जहाँ पर भी हैं और वहाँ से आप, जैसे हमने पहले की वीडियो लेक्चर से बताया, गेट में गेट ठंडा गेट होना चाहिए और वहां से आप बाहर निकल जाइए और अपने आप को सेव करिए। यू आर नॉट फिट टू फाइट द फायर, ये ध्यान रहे, बिल्कुल आप ऐसा रिस्क नहीं लीजिए और आप वहां से बाहर निकल जाइए। तो ये नौवा आइटम में जो मैं पहले आपसे कहना चाहता था कि ये जो है ये रीड एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑन योर एक्सटिंग्विशर, ये बिल्कुल पोजीशन, नौवीं पोजीशन आपके पास आनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही आग लगे तो यू शुड बी एबल टू ऑपरेट मल्टी फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर विद प्रिसाइज एक्यूरेसी। और ये सब ट्रेनिंग जैसे ही आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो हमें हर इंडस्ट्री में दी जाती है। हमें सेल्फ कॉन्शियस भी होना चाहिए क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगे होते हैं और ऐसा यदि हम देखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो हम खुद तो यदि आग नहीं बुझा सके तो हम दूसरों को गाइड करके, जिनको आता है कि कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर था, कौन से क्वालिटी का था, वहाँ पर कौन से इसका लगा हुआ आपने देखा है, ऐसा करके हम उनकी सहायता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिमेंबर, इसे जरूर याद रखें, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, आपकी जो सेफ्टी है वो सबसे सर्वप्रथम है, बाकी सब बात की बातें, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, आपकी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले। कब? व्हेन इन डाउट, जब आप डाउट में हो, लीव द फायर फाइटिंग टू द प्रोफेशनल। जब आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, हमने पहली स्लाइड में ऐसे किया, आप सीधे बाहर निकल जाइए, यदि आपको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो आप सीधे बाहर निकल जाइए, अपने आप को सेफ रखिए, यही इसमें लिखा हुआ सेंटेंस में, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और बाकी का जो फायर फाइटिंग का जो इशू है वो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं यानी कि जो इस आग को बुझाते हैं वो है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप वहां से निकल जाइए। तो हियर आई थिंक आई विल एंड दिस लेक्चर सीरीज ऑन फायर एंड फाइटिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू लर्न रिगार्डिंग पीपीई, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।